बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, हमारे गांव का तो त्यौहार नज़दीक आ रहा है, जो माँ समलेश्वरी बैल यात्रा का त्यौहार। तो आइए चलते हैं गांव की तरफ और माँ समलेश्वरी मंदिर की तरफ, और क्या क्या डेकोरेशन चल रहा है आइए देखेंगे इसी वीडियो में। गाइस, ये जो व्यू आप देख रहे हैं ना, ये जो डेकोरेट किया हुआ देख रहे हैं, ये एक सेल्फी पॉइंट है और इसमें कुछ लिखे हैं आई लव कुछ, वो मेरे हिसाब से आई लव खुटलापाली लिखेंगे शायद। और आप जो ये जो नेक्स्ट वाला देख रहे हैं, ये भी है सेल्फी पॉइंट। दोनों सेल्फी पॉइंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जो सेल्फी पॉइंट बनाए थे वो थोड़ा ज़्यादा भीड़ हो गए थे, इसलिए दो जगह सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं मेरे हिसाब से। मैं तो किसी को पूछा नहीं हूँ, आगे जाके पूछ लूंगा। गाइस, सेल्फी पॉइंट देखने के बाद तो मैं पहुंच गया, अभी कमेटी मेंबर के बैनर लगा हुआ था और वहाँ पे कुछ जो कमेटी मेंबर रहते हैं वो कमेटी मेंबर का कुछ तस्वीर भी है, और भी कमेटी मेंबर हैं लेकिन उनका शायद मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन वो भी कमेटी मेंबर हैं। और जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है उनका नाम भी मेंशन है, वो उड़िया में लिखा है, हिंदी में तो नहीं लिखे हैं, लेकिन वो तो नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या डेकोरेशन चल रहा है। गाइस, सेल्फी पॉइंट को देखने के बाद और कमेटी मेंबर की बैनर को देखने के बाद मैं आ गया डायरेक्ट माँ समलेश्वरी मंदिर के पास, और वहीं पे चल रही थी पेंट का काम। तो आइए देखेंगे मंदिर कैसा पेंट किया गया है और कैसा दिख रहा है। गाइस, मैं सोचा कि चलो जाके अंदर से देख लेते हैं वो भैया कैसे पेंट मार रहे हैं, मतलब पेंट लगा रहे हैं, वो भी थोड़ा नज़दीक से देख लेते हैं, क्योंकि जो दो सिंह हैं वो दो सिंह को कैसे पेंट किया हुआ है वो भी तो दिख रहा है पूरा एकदम, क्या बोलते हैं उसको, बोले तो झक्कास वही दिख रहा है। मतलब इस बार मंदिर को एक नंबर पेंट किया गया है, मंदिर दूर से भी अच्छा दिख रहा है। गाइस, मंदिर की तो परिक्रमा, मतलब मंदिर की तो अभी दर्शन हो गए हैं, वो अच्छा लगा, पेंट भी अच्छा था। लेकिन गाइस, मैं अब पहुंच चुका हूं महाराज के दरबार, जो पिछले साल तो जलंधर महाराज के दरबार लगे थे, लेकिन गाइस इस साल रावण महाराज के दरबार, मतलब रावण दरबार मान लीजिए। तो ये रावण दरबार लगा है, वो उसका टाइटल है रावण वध, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये रामायण ही हो गया। गाइस, आप मानो या ना मानो, ये रामायण ही है, क्योंकि रामायण बोलने से वो ओल्ड फैशन हो जाता है, लेकिन रावण वध होता है तो मतलब रावण वध वो सही है, रावण वध तो अच्छा है। तो आइए देखेंगे इसको थोड़ा, वही अभी तो डेकोरेट चल रहा है, ऑलमोस्ट काम भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि काम तो ख़त्म जल्दी से नहीं करेंगे तो फिर प्रोग्राम होगा कैसे। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ डेकोरेशन, महाराज के दरबार कैसे बना रहे हैं। मेरे हिसाब से हाइट भी तो ऑलमोस्ट सही है, लेकिन रेटिंग क्या है आप बताएंगे दोस्तों, क्योंकि अगर आप रेटिंग नहीं बताएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि रावण दरबार जो महाराज के दरबार बन रहा है, दरबार एक्चुअल सही में है या कुछ
इसमें मिस्टेक है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। गाइस, ये जो रावण वध का प्रोग्राम लगातार 3 दिन तक चलेगा, लगातार डे नाइट नहीं, वो नाइट का प्रोग्राम है, खाली नाइट में ही चलेगा, तो आप लोग भी देखने के लिए ज़रूर आइएगा। गाइस, महाराष्ट्र के दरबार से होके मैं घूमते घूमते आ गया हूँ मैं उस जगह पे, जिस जगह पे बॉयल यात्रा के दिन नाइट का प्रोग्राम होगा, वहीं पे ओपेरा होगा। और ये ओपेरा ओपन स्टेज वाला होगा, जो पिछले साल जैसे हुई थी वैसे ही होगा। इसमें कुछ टिकट वकेट कुछ नहीं लगेगा, पब्लिक आके आराम से देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो ओपेरा है, ओपेरा तपस्विनी ओपेरा वाले आएंगे, तपस्विनी गणनाट्य वाले, और ये जो उसका टाइटल तो मुझे पता नहीं, शायद उस दिन पता लगेगा जिस दिन मेला लगेगा, जिस दिन माँ समलेश्वरी का बॉयल यात्रा है उसी दिन ही शायद पता चलेगा, क्योंकि मैं अभी तक कुछ देखा नहीं हूँ तो क्या टाइटल है उसका बोल के। तो आइए आगे चलते हैं और क्या क्या डेकोरेट किए हैं वो देख लेते हैं। गाइस, ओपेरा का स्टेज जो जहाँ बनेगा वही जगह देखने के बाद मैं एक जगह फिर पहुँच गया हूँ जहाँ ओपेरा वाले को खाने के लिए परोसेंगे। जैसे कि हम शादी में टेंट बनाते हैं ना, वैसे पूरा लुक लाइक दैट वैसे ही बना दिए हैं। और जो महाराज के जो टीम आएंगे वो भी यहीं पे खाना खाएंगे। और क्या ही बताओ दोस्तों, दिन में भी तो जितना भी डेकोरेशन हो रहा था तो देख लिए, लेकिन डेकोरेशन तो ऑलमोस्ट हो चुका है और उसके बाद जो नाइट का सीन आइए देखेंगे। दोस्तों, जैसे ही शाम होते ही मैं पहुंच गया मंदिर की तरफ और देखा कि लाइट वगैरह कैसे लगाए हैं, तो पिछले साल जैसे लगाए थे वैसे ही लगाए हैं। लेकिन दोस्तों, मंदिर में जैसे लाइट लगाए हैं वो तो माइंड ब्लोइंग है, लेकिन थोड़ा उसका ब्राइटनेस, मतलब लाइट का जो लाइटनेस है वो थोड़ा कम लग रही थी मुझे, तो वो थोड़ा मैं सैड फील करूँगा, क्योंकि वो किसकी गलती है मुझे पता नहीं, लेकिन जो है सही है। तो आइए चलते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, रावण दरबार, मतलब रावण जो वध होगा, जो रावण वध का प्रोग्राम होगा वो महाराज के दरबार की तरफ आइए चलते हैं और दूर से देख के आनंद लेते हैं, क्योंकि हमको तो दूर से ही देखना है, पास में तो कहाँ जगह मिलता है। वो खड़ा, मतलब जो बैठता है तो उसको खड़ा नहीं होने देते, तो मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो ही बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा तभी तो जाके आप लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे, अगर दिन में भी तो अच्छा दिख रहा था, लेकिन नाइट में माइंड ब्लोइंग दिख रहा है। मतलब रावण वध इस बार, मतलब इस साल वो जो प्रोग्राम होगा, मतलब माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला प्रोग्राम होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, वैसे ही बीच में प्रोग्राम, मतलब तकलीफ़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन क्या करेंगे, एक एम्बुलेंस जा रही है, पता नहीं किसका भी आफत आ गई है, किसका भी प्रॉब्लम आ गई है, वो भगवान उसको सही सलामत रखे। और हम क्या ही बताएं दोस्तों, आप जो बताएंगे वही कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि हमारे गांव में मेला लगने वाला है और रावण दरबार भी लगने वाला है दोस्तों। और देर मत कीजिएगा दोस्तों, रावण दरबार देखने के लिए 14, 15, 16 तारीख को आ जाइएगा हमारे गांव खुटलापाली। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार।